गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट, 18 मार्च की अपडेट। चुनावी जुमलेबाजी के बीच तीन बड़े सवाल छोड़ गई है ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। चुनाव खत्म होने से पहले ही पूरी होगी प्रक्रिया, पीएनपी का बयान हुआ जारी, ये कहा लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित कोर्ट में मैटर है और इस महीने 28 तारीख के पहले कोई भी फैसला आने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल होली है, चुनावी रण में भी जोरदार बहस शुरू हो गई है। अब चुनावी रण में बहस शुरू होने के बाद इधर शिक्षक भर्ती की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जी हाँ, कुछ चैनल वाले बस मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन इस समय किसी भी राजनेता से इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, ना ही इस पे कोई उनको जवाब भी मिलने वाला है। अगर जवाब भी मिलेगा तो एक ही जवाब मिलेगा कि ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में है और ये इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस एक ही जवाब सवाल है और एक ही जवाब है जो कि मिलना है आपको। तो चुनावी जुमलेबाजी के बीच तीन बड़े सवाल छोड़ के ये गई है परीक्षा। देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। जी, चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकती है, ये आप जान लीजिए। पीएनपी की ओर से बयान आया है कि चुनाव से पहले किसी भी प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें अभी जो फाइनल रिजल्ट है, जो नियुक्ति पत्र है, वो चुनाव के पहले किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दे सकता है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि अभी जो प्रोसेस है, कोर्ट का फैसला अगर आ भी जाता है उसके बाद भी प्रोसेस, क्योंकि चुनाव है तो सारे अधिकारी ज़्यादातर बिजी रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा भर्ती प्रक्रिया को करने में। तो करीब भर्ती प्रक्रिया ही करने में 2-2.5 महीने और लग जाएंगे, जो बाकी का प्रोसेस बचा है। चुनाव के पहले सारे अधिकारी इसमें लग के काम जल्दी निपटा सकते थे, लेकिन अब चुनाव शुरू होने की वजह से सबकी ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगी है, जिस वजह से ये भर्ती प्रक्रिया अब फिलहाल चुनाव के पहले पूरी होना संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। क्या कोई रास्ता है? रास्ता एक ही बचा है कि कोर्ट अगर अभी फैसला देती है तो सब कुछ कंप्लीट किया जा सकता है चुनाव खत्म होते होते, और चुनाव खत्म होते ही नियुक्ति पत्र बांटने के लिए रह सकता है, अगर इसमें और कोई अड़चने नहीं आई तो। अगर कोई अड़चने आ गई तो फिर इसका जुलाई अगस्त तक जाना निश्चित है। अगर कोई अड़चन नहीं आती और कोर्ट का फैसला इसी महीने आ जाता है तो आपको ये भर्ती प्रक्रिया चुनाव खत्म होते ही पूरी नियुक्ति पत्र आपको मिल सकते हैं। उसके बाद क्या 60-65 पे भर्ती प्रक्रिया संभव है? इसमें इन सवालों के भी जवाब हम क्या दें, ये तो कोर्ट जवाब देगा कि क्या 60-65 पर भर्ती होगी या 40-45 पे। लेकिन हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये 60-65 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट सभी के पक्ष को बराबर देखती है और कोर्ट में सभी पक्ष लगभग बराबर, हालांकि 60-65 का जो पक्ष था वो ज़्यादा मजबूत था, लेकिन जो अंतिम दिन बहस हुई थी उस पर 40-45 काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया था, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल 60-65 तो रहेगी नहीं, क्योंकि इसमें 60-65 में लगभग 1 से 1.25 गुना अभ्यर्थी ही बन रहे हैं, जबकि टोटल आप बात करेंगे तो कुल मिला के आपके सरकार खुद पक्ष रखी है कि वो 3 गुना अभ्यर्थियों को बुला सकती है इसमें, अगर कोर्ट इजाज़त देगा तो। सिंपल सी बात है कि 60-65 फिर कहाँ रह जाएगा अगर 3 गुना आप अभ्यर्थी बुलाते हैं, तो ये सिंपल सी बात है 50-55 पे आके अटकेगी अगर 3 गुना आप भर्ती बुलाना चाहते हैं। तो बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरा करने से संबंधित कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बड़ा फैसला ये भी है कि सरकार खुद मेरिट को डाउन कर सकती है, लेकिन ऐसे चांस बहुत कम हैं, लेकिन सरकार के ऊपर है कि वो सरकार क्या करेगी। चुनाव से पहले भर्ती संभव नहीं है, ये आपको सिंपल सी बात हमने पहले ही बता चुकी है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी दांव पेच फंसे हुए हैं। सरकार की हालांकि प्रतिष्ठा दांव में लगी थी, लेकिन अब सरकार को उसकी प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि सारे चुनाव शुरू हो गए हैं, तो उन सरकार के ऊपर उन सब भर्तियों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी सीटें अब बनाने में जुटी हुई हैं। तो फिलहाल ये सारी न्यूज़ें हैं, आगे पीएनपी का क्या लक्ष्य होता है, फिलहाल किसी का कोई लक्ष्य नहीं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है। तो
तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।